अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने मर्ज़िया अली को पेश करने जा रहे हैं। मर्ज़िया अली ये वो लड़की है जो 20 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छूने जा रही हैं। ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी करने वाली तालिब इल्म मर्ज़िया अली वाटर पेंटिंग के लिए भी काफ़ी मकबूल हैं। मुल्क भर में अब तक 35 के करीब इन्होंने वर्कशॉप मुनक़द किए हैं। तो आइए हम मर्ज़िया अली से बात करते हैं। सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है, आपको ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो पेंटिंग है वाटर पेंटिंग है ये अलग शोभा है, दो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ है, तो वहाँ पर आपको मतलब ये दोनों को एक साथ लाने का आपके जहन में कहाँ से आया? जैसे वाटर कलर पेंटिंग है ये मैं बचपन से ही कर रही हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है और फिर मैं एज़ अ हॉबी हमेशा कर रही होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इंटरमीडिएट में आई और मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट होने वाला था और फिर उसके बाद आगे की लाइफ के लिए डिसीजन लेना स्टार्ट हो गए थे कि आगे MBBS करना है या BSc करना है, तो उसी टाइम बेस्ट सजेशन मेरे पास मेरी मॉम का ये था कि गो फॉर साइकोलॉजी करो, बिकॉज मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट बिलीव करती थी, मुझे वुमेंस की मदद करनी थी और ज़्यादा फेमिनिज्म में थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं ग्रो हो रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोर देन वुमेन को हेल्प करने से ज़्यादा आई ऑल्सो हैव टू हेल्प मेंस एट द सेम टाइम। वुमेन और मैन दोनों को भी उतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है जितनी हर किसी को होती है, तो इसीलिए मैंने साइकोलॉजी एज अ करियर चूज़ किया। और फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट साइकोलॉजी और आर्ट को साथ में मिला दिया जाए, तो बेसिकली मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ साइकोलॉजी के, और जैसे आर्ट थेरेपी होता है वैसी और डिस्कवरीज करना चाहती हूँ, एंड आर्ट को साइकोलॉजी में मर्ज करके साथ मिलाकर लोगों के लिए और ईजीनेस पैदा करना चाहती हूँ। जैसे स्ट्रेस वगैरह अभी के टाइम में बहुत बढ़ गया है, तो थ्रू आर्ट जैसे मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर की तरह वाटर कलर पेंटिंग, रेजन आर्ट वगैरह, तो वैसे ही मैं दूसरों के लिए भी वो चीज़ लाना चाहती हूँ और उसी में मैं ज़्यादा रिसर्च भी करना चाहती हूँ। हाँ, तो आपने अब तक कहाँ कहाँ ये वाटर कलर पेंटिंग्स के वर्कशॉप किए हैं? मैंने अभी तक हैदराबाद, नागपुर, मुंबई, पुणे में किया है। तो ये 35 के करीब आपने 35 के करीब किए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन वर्कशॉप में? हर लोकेशन पे एक डिफरेंट क्राउड मिलता है, एक डिफरेंट नज़रिए के लोग मिलते हैं। जैसे हैदराबाद में है लोग नई नई चीज़ें यहाँ पे, जैसे रेजन आर्ट हो गया तो वो आर्ट को लोग कम ही जानते हैं, तो वो चीज़ के लोग ज़्यादा बड़े हुए हैं, वो चीज़ में ज़्यादा अपने आप को लाना चाहते हैं। सिमिलरली नागपुर में जो मेरा भी रिसेंटली एक वर्कशॉप हुआ था, तो वहाँ के वर्कशॉप में मैंने एक अल्कोहल इंक आर्ट किया था, तो वो एक नई टाइप की इंक्स है जो इंडिया में भी लेटेस्ट आई है, तो मैंने उस चीज़ का वर्कशॉप किया और वहाँ के लोग उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो वहाँ के लिए अच्छा था। तो सिमिलरली हर लोकेशन का डिफरेंट रहा है। आपके जो ये वर्कशॉप हैं वो वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है? यूजुअली हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए 20 डेज पहले से लिंक इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में या मेरे ब्लॉग में, और फिर जैसे मेरा इवेंट्स हाई वगैरह वेबसाइट्स हैं वहाँ पे लिंक बना कर डालते हैं, तो वहाँ से लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स आना शुरू होता है इंस्टाग्राम पे, आप जब आप डालती हैं अपना प्रोग्राम इवेंट, जब पोस्ट करती हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको इमीडिएटली आपको रिएक्शन आता है? हाँ, इमीडिएटली मतलब टाइम लगता है, लाइक 20 डेज के टाइम में हम लोग 15 डेज तक रजिस्ट्रेशन रखते हैं, फिर लास्ट 5 डेज हमारा प्रिपरेशन होता है, तो या थोड़ा टाइम लगता है। अभी मतलब कितनी साइकोलॉजी की पढ़ाई आपकी कितनी बाकी है? अभी मेरे 2 सेमेस्टर और बाकी है। दो सेमेस्टर के बाद आप साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो वो उसको और जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग मतलब जो नफ्सियाती दबाव जो इंसान में होता है, तो वो क्या वो कॉन्सेप्ट है कि आपकी ये कोशिश रहेगी कि वो पेंटिंग के ज़रिए नफ्सियाती जो दबाव रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, उसको दूर कर सके किसी का? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मुझे और भी साइकोलॉजी में मास्टर्स PhD करनी है, और भी ज़्यादा मैं उसमें रिसर्च करना चाहती हूँ, एंड जब वो एक पॉइंट में पहुँच जाऊँ मैं कि मुझे समझ आ चुका है कि साइकोलॉजी असली में क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी में काफ़ी भी रिसर्च बाकी है, जब मुझे खुद समझ आ जाएगा कि ये है, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं आर्ट और साइकोलॉजी को मर्ज कर पाऊँ एक बेहतर वे से। अचानक पिछले एक हफ्ते में आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर सामने आई, तो आपको ये तमाम चीज़ें मकबूलियत देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है?
अच्छा फील हो रहा है, अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव हो रहा है और मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं कर पा रही हूँ जो चीज़ मैं लाइक 4 years back जब मैं इंटरमीडिएट में थी, मैं जब वुमेन एम्पावरमेंट पे करती थी, तो अब लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट वाला और साथ में मैन को मेंटल हेल्थ में मदद करना और ईजी होगा। जैसे जैसे मैं ग्रो होंगी तो इवेंचुअली जो लोग मुझसे नीचे हैं मैं उनकी मदद करूँगी ऊपर आने में। तो आप ये जो वर्कशॉप, आप ट्रेनिंग भी, ये जो वाटर पेंटिंग की ट्रेनिंग है वर्कशॉप से हट के, वर्कशॉप तो एक आरजी तौर पे एक या दो दिन के वर्कशॉप होते हैं अमूमन, उससे हट के, क्योंकि मतलब सेंटर्स भी हैं पेंटिंग्स वगैरह, ये आप क्योंकि आपकी जितनी भी पेंटिंग्स हमने देखी है वो बहुत बहुत मतलब काफ़ी दीदा जेब है, और देखने के बाद उसको मतलब के दिल मतलब मचलता है, तो उस किस्म की कोई ट्रेनिंग का भी आपका फ्यूचर में कुछ प्रोग्राम है सेंटर्स ऐसा, मतलब मुस्तकिल तौर पर सेंटर्स कायम करके वहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे आप? हाँ, मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन, अपने खुद के वर्कशॉप्स एक जगह पे ले पाऊँ, उसके लिए लोकेशन वगैरह इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ। तो मतलब आपको किस हद तक सक्सेस मिलने की उम्मीद है, स्पेशली आर्ट्स के जो शोभा है, आर्ट्स का शोभा है, उसमें किस हद तक सक्सेस मिलने की आपको तवक्को है? आर्ट को लेकर अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में आर्ट इंडस्ट्री में डेवलपमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा होने की है, तो जैसे अगर मैं अपने आप को दूसरे आर्टिस्ट से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि मैं भी ग्रो हो रही हूं और इवेंचुअली इंशाल्लाह आर्ट इंडस्ट्री में मैं कुछ करूंगी। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे तहदीदात हैं पेंटिंग्स को लेके, ख़ास तौर पे कुछ कंट्रोवर्शियल पेंटिंग्स अगर आ जाती हैं, मतलब मायनाज आर्टिस्ट थे MF हुसैन, वो उनकी एक पेंटिंग के बाद अब उनको मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हिंदुस्तान से बाहर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, तो उस किस्म के जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं उससे कैसा आप मुकाबला करेंगी? मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों से दूर ही रहूँ, मैं ये चीज़ पर फोकस करती हूँ कि जो मेरे गोल्स से मुझे करीब करता और जो दूसरों को बेनिफिट करता हो, मैं ऐसी चीज़ें पेंट करने की कोशिश करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे और दूसरों को बेनिफिट करे। तो इसमें आपको पेरेंट्स से किस हद तक सपोर्ट मिला आपके दोनों का, साइकोलॉजी की पढ़ाई में, दूसरा ये मतलब वाटर पेंटिंग का जो आपने काम स्टार्ट किया है ये वर्कशॉप में, पेरेंट्स से आपको किस हद तक मदद मिली? आई थिंक मेरा एजुकेशन, आर्ट और जो कुछ भी है वो सारा मम डैड की हेल्प की वजह से हुआ है। डैड मुझे हर जगह लेकर जाना, लाइक मेरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेकर जाना मुझे करते हैं, एंड मॉम हैज़ बीन हमेशा, मम्मा ऐसे रही है कि कोई भी न्यू आर्ट आता है तो मम्मा समझाती है कि वो कैसे होता है। मेरी मम्मा भी एक आर्टिस्ट है तो वो खुद भी मुझे बता रही होती है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, आर्ट में मम्मा ने हेल्प किया है, साइकोलॉजी करियर चूज़ करने में, उसके बेनिफिट्स वगैरह समझाने में, माई मॉम हैज़ बीन एक बेस्ट करियर काउंसलर टू मी। मतलब ये फुल एब्सोल्यूट सपोर्ट, मतलब वालदैन का जो एब्सोल्यूट सपोर्ट है वो आपके साथ है। आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, बेसिक एजुकेशन जो है वो कहाँ से आपने किया? मैंने मेरा स्कूलिंग MS क्रिएटिव स्कूल से किया है, फिर उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट श्री चैतन्या से हुआ है, और फिर उसके बाद से मैं विला मैरी कॉलेज में हूँ। हाँ, विला मैरी से आप ग्रेजुएशन कर रही हैं साइकोलॉजी में, तो आपको ये साइकोलॉजी के जब मतलब आप जब पढ़ रही हैं साइकोलॉजी पढ़ रही हैं तो आपको क्या क्या क्रिएटिविटी आपके जहन में ऐसा आ रहा है कि कम्यूनिटी के लिए, वो लोगों के लिए, डिप्रेस लोगों के लिए कुछ एक नया कुछ ऐसा करें, कुछ नई चीज़ उनके लिए पेश करें सबसे हटके? हाँ, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि साइकोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च होने की है, काफ़ी सारी चीज़ों में डिलेमा है कि वो चीज़ सही है या नहीं है, तो मैं उन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रही हूँ और इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगी समझ आएगा। एक 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 ये भी है कि साइकोलॉजी को आपने मतलब जोड़ दिया वाटर पेंटिंग से, तो ये एक बहुत बड़ा एक इसके लिए मतलब मुश्किलात पेश आई आपको कि भाई जैसा कि साइकोलॉजी है आपकी पढ़ाई अलग है, फिर ये आपका वाटर पेंटिंग्स है, वाटर पेंटिंग्स को इसको मतलब जोड़ के आप कर रहे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी की पढ़ाई पे कहीं असर तो नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे मार्क्स लेके उसके साथ पास हो पा रही हूँ। तो ये एक ठीक है, तो हम मर्ज़िया से बात कर रहे हैं, मर्ज़िया बता रही हैं कि साइकोलॉजी और आर्ट्स जो है वो
आर्ट्स के अंदर कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर जो कोशिश करें, दिलचस्पी से पढ़ाई करें और दिलचस्पी से अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े तो हम अपना काम आसानी से हो सकता है, हम कामयाब हो सकते हैं। ब्रेक के बाद भी हम मर्ज़िया से बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें। ब्रेक के बाद सियासत टीवी के प्रोग्राम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। हमारी बात मर्ज़िया अली से चल रही है जो साइकोलॉजी की तालिबे इल्म है, ग्रेजुएशन कर रही है साइकोलॉजी में और एक माहिर वाटर पेंटर, वाटर मार्क्स पेंटर भी हैं। तो हम अपनी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। हैदराबाद में आपका कोई रिसेंट आने वाले दिनों में कोई इवेंट है, ये वर्कशॉप मुनक़िद करने का इरादा है आपका? हाँ, मेरा रीजन आर्ट का वर्कशॉप होने वाला है 14 जुलाई को। कहाँ पे? क्लोवर हाईटेक सिटी। तो उसके लिए कोई इनविटेशन वगैरह, कोई मतलब लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, वही आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं? मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक बनाई है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर है। इंस्टाग्राम की भी डिटेल बोल दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट marzia_li है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको वालदैन की तरफ से बहुत सारी सहूलतें मिली, उनकी तरफ से पूरी आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बावजूद भी आप हमेशा हिजाब में रहती हैं? हाँ, मैं हमेशा हिजाब में रहती हूँ। तो वर्कशॉप के टाइम पे भी? हाँ, वर्कशॉप के टाइम, पढ़ाई के टाइम पे भी? हाँ जी। तो आप सियासत टीवी के नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं सभी ख़वातीनों को ये बताना चाहूँगी कि जब लड़कियों को ये बताना चाहूँगी कि जब तक आप अपने हिजाब को ये समझोगी कि ये आपको आपके गोल्स अचीव करने से रोक रहा है तो तब तक ये आपको रोकेगा। जिस दिन आप बिलीव करोगे ये आपका पावर है तो उस दिन वो आपका पावर बनेगा और आप अपनी खुद की नई आइडेंटिटी बना पाओगे। आपको बस अपने इसमें बिलीव करना है। आपके कपड़े या आप क्या पहनती हो ये आपको डिफाइन नहीं करता है। स्पेशली हैदराबाद के यूथ के लिए, लड़कियों के लिए तो आप इंस्पिरेशन बन गई हैं। पिछले एक हफ्ते में जो मकबूलियत आपको मिली है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो ये जो आर्ट्स के शोबे में, वाटर आर्ट्स के शोबे में दूसरे लोग किस तरीके से आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई अगर कुछ टिप हो सके तो सियासत के नाज़रीन को दीजिए। अगर आप वाटर कलर पेंटिंग में प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप एवरीडे डेली प्रैक्टिस करिए। हमारे पास यूट्यूब है, स्किल शेयर है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो एवरीडे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा 5 मिनट्स के लिए करिए, बट एटलीस्ट एवरीडे कुछ करिए तो आपको बहुत हेल्प होगी उससे। आप कैलीग्राफी को भी आप देखती हैं कभी? क्या है, कैलीग्राफी भी किया आपने कभी? मैं
इंग्लिश कैलीग्राफी भी करती हूँ। अरबी या उर्दू नहीं की अब तक? अरबिक मैं सीख रही हूँ अभी। कहाँ पे सीख रही हैं? मम्मा सिखाती है मुझे। तो आपकी मम्मा भी आर्टिस्ट है, तो वो आपको जो आर्ट्स का जो इंस्पिरेशन है वहीं से मिला है? हाँ, मम्मा के थ्रू सब इंस्पिरेशन मिला है। ठीक है, तो ये मर्जिया बता रही थी कि लड़कियों को मतलब हिजाब को अगर रुकावट समझती है तो वो ज़रूर रुकावट बनेगा, मगर अगर मजमूई तौर पर देखें कि हिजाब रुकावट नहीं, वो आपकी ताकत है, तो हर शोबे हयात में हिजाब का इस्तेमाल करते हुए आप तरक्की के जीने तय कर सकते हैं। कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी।